शोर फिल्म को बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों कहा जाता है? एक प्यार का नगमा है लिखने वाले गीतकार को 50 साल बाद कैसे मिली अपनी प्रेमिका? क्या इस फिल्म का रीमेक होगा? अगर हाँ तो इसके रीमेक में अक्षय और सलमान में से किसे कास्ट किया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका चुयाल स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि द लेट नाइट शो में होने वाला है बड़ा धमाका, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा 1 लाख रुपए जीतने का सुनहरा मौका। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। लता दी की आवाज का जादू और गीतकार संतोष आनंद के शब्दों की गहराई ने इस गाने को आज भी हमारे बीच जिंदा रखा है। 90s के गानों की वाकई बात ही अलग है। आज भी जब सुकून भरे गाने सुनने का मन करता है तो 90s के गाने हम अपने मोबाइल फोन पर चलाकर एयरफोन लगा लेते हैं और फिर इन गानों का सहारा लेकर चले जाते हैं उस दुनिया में जहां सिर्फ सुकून और आनंद मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संतोष ने अपनी जिस प्रेमिका के लिए गाना लिखा था वो उन्हें पूरे 50 साल बाद मिली। ये राज संतोष आनंद ने खुद खोला। संतोष व्हीलचेयर में बैठे हुए पटना के एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि संतोष आज अपने जीवन का इतना बड़ा राज खोलने वाले हैं। संतोष 84 साल के हो चुके हैं। अब उनके शरीर में उतनी जान नहीं, लेकिन उनके इरादों में वजन है। संतोष कहते हैं कि मेरे जीवन जीने की इच्छा शक्ति मुझे जिंदा रखे हुए है और मेरा हौसला ही है जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। साल 2014 में अपने बेटे और बहू की मौत के बाद संतोष टूट से चुके थे, लेकिन वक्त के साथ संतोष ने हिम्मत से काम लिया और आज भी हमारे बीच रहकर उन गीतों के बारे में बताते हैं जिन्हें उन्होंने कभी बड़े प्यार से लिखा था। संतोष कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी वो प्रेमिका जिनके लिए उन्होंने ये गाना लिखा था एक दिन अचानक उन्हें मिल जाएगी। वो पुणे में रहती है और आज भी रोज फोन करती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। तभी तो इन दोनों का प्यार आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये गाना संतोष साहब ने फिल्म शोर के लिए लिखा था, जो 1972 में आई थी। फिल्म में मनोज कुमार और नंदा मुख्य भूमिका में थे। संतोष आनंद का ये प्यार भरा गाना हमारे बीच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर शोर का सीक्वल बनता है तो उसमें सलमान और अक्षय में से कौन इस किरदार को बेहतरी से करेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।